फ्रेंड्स, सबकी माँ कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, आज का वीडियो तो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्यों? क्योंकि आज हम लोग तमिल लिखना सीखेंगे आज से, क्योंकि फ्रेंड्स एक दिन में तो होने वाला नहीं है। आज हम लोग केवल स्वर अ आ ई ई किस तरह से लिखते हैं तमिल में और को क्या दोनों में अंतर है इसके बारे में सीखेंगे। ठीक है, बुलाओ अन्ना को। अन्ना वांग अभी तक बात करना हो गया। सो फार व्हाट वी हैव सीन इज स्पीकिंग स्पोकन लैंग्वेज। नाउ इट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। वी आर गोइंग टू सी द सिमिलैरिटीज कॉमनालिटीज बिटवीन हिंदी एंड तमिल एंड डिफरेंसेस, वो दोनों देखेंगे। बहुत कमेंट्स भी आ रहे हैं ना सीखने के लिए। इसी है ना, वावल से हम लोग शुरू करेंगे। आई विश यू ऑल द बेस्ट। स्टार्ट कीजिए। अन्ना पहले मैं हिंदी में लिख देती हूँ, फिर तमिल में क्या इसे डिफरेंस आप उसको बताएं। ओह यस, प्लीज करिए। अन्ना इसे आप लीजिए। हाँ, प्लीज करिए। चलिए, मैं यहाँ पे लिखती हूँ। यस, स्टार्ट। फ्रेंड्स देखिए, ठीक है ना कि मैं ही भूल गई हूं। ये हुआ हिंदी में। अब हम लोग इसकी तुलना करते हुए तमिल में किस तरह से लिखेंगे अन्ना से पूछेंगे। अन्ना अब आप बताइए कि तमिल में यदि हम लोग लिखेंगे तो किस तरह से लिखेंगे, बताइए। हाँ दीपा जी, हाँ। अभी देखिए फ्रेंड्स, सी वेरी केयरफुली क्या क्या डिफरेंस है, क्या क्या सिमिलैरिटीज है। देखिए, हाँ, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। फ्रेंड्स ध्यान से देखिए, हम लोग के माँ जैसा है, बस यहाँ पर ऐसे गोल करके किया हुआ है। ध्यान से देखिए इसे। हाँ, दिस इज आ, हो गया। यहाँ एक ऐड कीजिए, दिस बिकम्स आ। अच्छा अच्छा, अन्ना जिस तरह से हम लोग ये ऐसा लंबा ऐड किया, आप इसको ऐड किया ना। अच्छा अच्छा अच्छा, अन्ना फिर से एक बार लिख दीजिए। आप फिर से देखिए, हाउ वी राइट, हाउ वी फॉलो कीजिए। दिस इज सी, this is a only. हाँ. No, you add this, then it is becomes a. A, okay. A, a. हाँ, okay. हाँ. यहाँ देखिए friends, e. ये बहुत कठिन लग रहा था। नहीं यार, आदत पड़ जाएगा धीरे धीरे। राइटिंग प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। अच्छा अन्ना, ये पहला स्टेप जो है माँ जैसा ही है ना, पहला स्टेप यहाँ तक तो लोग माँ जैसे ही। हाँ, ऐसा करके फिर उसको ऊपर से नीचे ले आए। फ्रेंड्स उतना कठिन भी नहीं है। देखिए पहला स्टेप जो है ना माँ वाला, वो सब में है। देखिए इसमें भी है, इसमें भी है, ऐसा करके हम फिर उसको नीचे तक ले आए। ठीक है, ओके। ई तो बहुत ईजी है, देखिए यहाँ दो डॉट दे दिया। अच्छा ई, यस। अच्छा अच्छा अच्छा, देखिए आ, ई। अच्छा अच्छा, और यहाँ देखिए फ्रेंड फ्रेंड्स वेरी इंटरेस्टिंग। This is not there in our Tamil. Oh, hai nahi hamare Tamil. Chale, khush ho friends, yahan nahi hai kuch bhi. Be happy, the whole line hai. Acha. And now A I kaise batate hain, kyunki yahi pe thoda bhinnata hai. Aap A O aise bolte hain na, usse thodi bhinnata hai, usko bataiye. Ha, suniye friends, dekhiye ye hai hamara yahan ye A. Ye. Ha. That is missing in Hindi. Dekhiye yahan main likhta hoon, dekhiye. Ha. Ye. ये ए, इंग्लिश लेटर का ये इक्वलेंट है। ये एक ए भी है ना, ये ये शायद है, ये सेम लेटर। ये यहाँ ऐड कीजिए लेटर ए, दिस बिकम्स ये। तो अब यहाँ
हो गया, ये का इक्विवेलेंट हो गया, ये यहाँ आपको हाई नहीं है। अच्छा हाँ, ये वाला नहीं है, यहाँ पर ना हम लोग का ए नहीं है, ये हाई है, आई है, हाँ है, बट प्रोनाउंसिएशन भी दिख रहा है, आई बोलते हैं, हाँ प्योरली आई, हाँ ये नहीं है, आई आई, हाँ दैट्स ऑल फ्रेंड्स, यही थोड़ा सा अंतर आ जाता है। हाँ, हम लोग जो आए बोलते हैं उसको आई बोलते हैं, आई आई। अच्छा ये इसके लिए हो गया, ए ए आई, ए आई, हम लोग जो ए आई बोलते हैं आप उसको बोलते हैं ए ए आई, आई फ्रेंड्स, ए ए आई, इसको याद रखना है। चलिए हाँ हो गया, हाँ ओ ओ बाबा ने तो बहुत कठिन है ना, ओ ओ हाँ ओ भी नहीं है, पर सिर्फ ओ आउ है। अच्छा ये ओ, ये तो लेटर है, जैसे ये ए था, ओ ओ ओ, अच्छा उसको कैसे लिखेंगे ना, इसी सेम लेटर है, लास्ट में आप जीरो ऐड कीजिए उसमें, ओ अच्छा इसको राउंड कर देंगे, अच्छा ओ ओ, तो हमारे एक लेटर यहाँ भी मिसिंग है, ओ ओ ए आई, ओ ओ, देन कम्स आउ, आउ हाँ ये जो आउ है, यस आउ, दिस इज आउ, आउ हाँ ये देखिए वो में बोला, अच्छा यहाँ पे जो वो लगाए थे वही लगाए, वही चीज, वही चीज यहाँ लगे लगाए, एम जैसा लगाया है, एम वी ऐसा लग रहा है, दैट थिंग हियर यू ऐड हियर इट बिकम्स आउ, आउ ओके ओके, तो ओ ओ आउ, हाँ अह बस ए अंग आहा नहीं है, अंग आहा नहीं है, इसको क्या बोलेंगे, आहा ये जैसा बोले आप, आहा यहाँ बोले आह, अच्छा आह आह ओके 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 ओके, सो फ्रेंड्स देखिए आ आ ई ई उ उ ये आई ओ ओ हाउ आह आह बोलते हैं, तो अन्ना ये तो बहुत कठिन लग ही रहा है, अब मैं चाहूंगी अन्ना कि हम लोग ना एक एक करके एक एक वर्ड थोड़ा आप अच्छे से, हाँ ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड सी हाउ टू बी राइट, कैसे लिखा है, कैसे लिखा है, हाँ तो अन्ना अब हम लोग ऐसे ही करते हैं, हटा देती हूँ, हाँ यहाँ पे हटा देती हूँ मैं, आप एक एक करके बताइए अन्ना, ठीक है अन्ना आप हमें बताइए कि एक एक करके बताइए अन्ना, थोड़ा बड़े से बोर्ड में कि हम लोग किस तरह से हाथ को घुमाएंगे, फ्रेंडशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट, ड्राइंग पेंटिंग सीखना, ठीक है वेरी इंटरेस्टिंग, यू लिसन एंड सी हाउ माय हैंड गोस, क्या क्या पोजीशन जा रहा है, क्या लिख रहा है देखिए, और शेप देखिए, आ देखिए इसका आ हो गया, ये बहुत ही कम ले है, ये ऐसा करके लाइन दीजिए, माँ जैसा ही है लेकिन पेट इसका बहुत बड़ा सा, यस यस दीपा जी वेरी कंफर्टेबल, उसको माँ करके बोलेंगे, बट ओनली सिमिलैरिटी है, अदरवाइज इसको थोड़ा सा बड़ा पेट दिखाइए, आ फर्स्ट लेटर हो गया, ओके फर्स्ट वोवल इन तमिल इज आ, नाउ यू ऐड ऑन दिस, दैट्स ऑल, दिस बिकम्स आ आ आ आ आ आ, नाउ यू सी द बेसिक स्ट्रक्चर, इसी को लेके नेक्स्ट लेटर आएगा दीपा जी, इसी को ये रहेगा बेसिक स्ट्रक्चर, ऐसे रहेगा, ये आ आ हो गया, ठीक है अब बताइए ई, ई कैसे लिखेंगे, ये भी वो भी बेसिक स्ट्रक्चर दीपा जी, यहाँ तक आई, अच्छा यहाँ तक तो था, हाँ ई ई फ्रेंड्स है ना, यहाँ तक तो था आ, इसके साथ साथ ये ऐड कर रहे हैं, ये बेसिक ई, देखिए फ्रेंड्स ई, तो हम लोग को ना अन्ना यहाँ पर आ लिख के छोड़ देना चाहिए, तो पता चलता रहेगा ना कि हम लोग क्या क्या उसमें चेंजिंग आ रहा है, ठीक है यहाँ लिख देंगे, हाँ हम लिख दीजिए, देखिए आ आ, हाँ ये बस आ हो गया, दिस बेसिक स्ट्रक्चर, यहाँ पे ऐसे घुमा दिया तो आ हो गया, यस इसमें ऐड किया, ये हो गया ई, ई इसी को बस क्या कि यहाँ से ऐसे गोल करके इधर ले आए, यस ई ई हो गया, देखिए सर ई ई इज वेरी सिंपल, वन ऐसा कि स्ट्रेट लाइंस ऊपर में एक मिला, ये एक दो डॉट दीजिए, अच्छा दैट्स ऑल, देखिए वन लाइन सेकंड लाइन दो, देखिए ऐसा हो गया, और ये एक डॉट इधर एक डॉट हो गया, अच्छा ये ई हो गया, दैट्स ऑल, ई ई ई, चलिए ओ ओ कैसे लिखेंगे ना, ओ ओ सिमिलरली ये टू लाइक नंबर टू, अच्छा अच्छा दीपा जी भी सिंपल लाइक नंबर टू, ये तो आसान हो जाएगा, थोड़ा सा ऐड कीजिए लाइक है, थोड़ा ये कर दीजिए, अच्छा उसको यहाँ तक टू है उसका, और थोड़ा लंबा कर दीजिए, हाँ इसी के ऊपर, इसी के ऊपर ये इट बिकम्स ऊ, अच्छा अच्छा अन्ना ये वाला सिंबल को थोड़ा यहाँ पर एक बड़ा बनाइए, तो ये वाला सिंबल जो है, अच्छा फ्रेंड्स बहुत हाथ चलाना है हम लोग को इसके लिए, ऊ री तो है नहीं, री है नहीं, री है नहीं, चलिए अब इसके बाद अन्ना बताइए हमें ए कैसे लिखेंगे, ए ए ए इज वेरी सिंपल दीपा जी, दैट्स ऑल,
अच्छा एक ना जैसा बनाना है जैसा, जैसे ना बस इधर ही वेरी सिंपल ये और ये एक दूसरा जो हिंदी में नहीं है ये जस्ट इसमें क्या है ऐसा अच्छा ए ए ए हाँ और ए आई 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 हाँ आई जैसे लिखेंगे जैसे ई था ना लेटर ई दिस इज ई आई नहीं नहीं भाई था ना हाँ भाई ई आई यू यू बाय प्रैक्टिस यू विल बिकम परफेक्ट अच्छा अच्छा ये देखने में थोड़ा सा ये लगेगा आई आई अच्छा ई ई आई उ उ ये ए आई 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 हो गया आई देखिए फ्रेंड्स ओ ओ ओ अच्छा ये ओ हो गया हाँ ओ लेकिन एक और था ना ओ कुछ नहीं इसमें सिर्फ इसको ऐसा कर दीजिए थ्री डॉट्स बस अच्छा थ्री डॉट्स थ्री डॉट्स सो फ्रेंड्स देख देखिए 13 वोवेल्स है तमिल में 13 वोवेल्स आ ई ई उ उ ए ए आई ओ ओ औ आ दैट्स इट फ्रेंड्स है ना बहुत मजेदार पेन कॉपी लीजिए और बस लिखने का प्रैक्टिस करिए नया चीज सीखिएगा बिल्कुल उमंग से भर जाइएगा बहुत मजा आएगा ठीक है फ्रेंड्स अगले वीडियो में हम लोग जो है ना कक्खा गगर सीखेंगे ठीक है बच्चे बनने के लिए तैयार है ना एंड ना बहुत दिन से हम लोग सोचते थे क्या लिखा हुआ है बिल्कुल समझ नहीं पाते थे बहुत अच्छा लगा नहीं 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 राइटिंग तमिल इट विल बी वेरी इजी भाई प्रैक्टिस आप लिखते जाइए रोज एक बार दो बार लिखते रहिए तो इट विल बी वेरी इजी आर्टिस्टिक थोड़ा सा ये लग रहा है ना आपको हिंदी में ऊपर से लाइन होता है हाँ, इसमें लाइन नहीं 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 है थोड़ा सा दिक्कत होगा हाउएवर इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग इट विल बी वेरी इजी यू पुट ऑल योर हार्ट इनटू दैट है ना पूरा दिल खोल के बैठिए सुनिए और देखिए आपको फॉलो कीजिए आई होप यू एंजॉय द सेशन वेरी नाइस बिल्कुल बिल्कुल दीपा जी वी आर मोस्ट सेटिस्फाइड ओनली व्हेन यू लर्न द सब्जेक्ट जब आप पूरी तरह सीख जाएंगे तभी हम लोग को बहुत मजा आता है ठीक है फ्रेंड्स ओके मीटम संदीप ओम ओके दीपा जी फ्रेंड्स अगले वीडियो में फिर मिलते हैं कक्खा गगर के साथ ठीक है तब तक के लिए बाय बाय